शिक्षकों के क्रम में एक वरिष्ठ शिक्षक आपके सामने उपस्थित है। धीरे धीरे बहस गहन अंधकार से गहन प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। शुरू में मृत्युंजय जी ने जिस बात का आगाह किया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, क्योंकि हर अन्याय के खिलाफ संवाद की एक परंपरा रखते हुए संवादों के द्वारा हम उसका जवाब देते हैं। यह उनका प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही हुआ। मेरा स्टूडेंट कन्हैया कुमार है, मैं उसका PhD गाइड, मैं उसका सुपरवाइजर। जब वो जेल गया तो फिर कई प्रकार के प्रताड़ना विश्वविद्यालय के तमाम समुदायों के ऊपर, और फिर हमने संवाद का रास्ता अपनाया, और इस कड़ी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमने 20 संवाद स्थापित किए। और ऐसी ही स्थिति में जब आप संवाद की ऐसी परंपरा आपने स्थापित की है, क्योंकि आप भी वही स्थिति का सामना कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा संघर्ष का यह आह्वान है। यह संवाद कोई बहुत ही ज़्यादा साधारण नहीं होता, बल्कि हम तर्कों के द्वारा हम मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, जो आगे चलकर हमारे भविष्य का धरोहर बनता है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसिएशन ने आपके टीचर एसोसिएशन के संघर्ष को समर्थन दिया है, उसका हमने लेटर भी इन्हें परस्पर इनको दिया है। आज की स्थिति कोई बहुत बेहतर स्थिति स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की स्थिति में नहीं है। तो मैं कैसी स्थिति है, तो मैं नागार्जुन जी को ही सब कोई बोला है, तो मैं तो एक लाइन नागार्जुन जी का ही बोल देता हूँ, क्योंकि इस बहस की पृष्ठभूमि का बुनियाद रतन जी ने रख दिया और उसे और गहराई तक हमारे राकेश जी ले गए, और फिर अपने परिपक्व अनुभव के माध्यम से हरिश्चंद्र चौधरी जी ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। तो हम अपने छात्र जीवन में नागार्जुन का पोस्टर लगाया करते थे, किसकी ये जनवरी, किसका ये अगस्त है, कौन यहाँ मस्त है, कौन यहाँ पस्त है, किसकी ये जनवरी, किसका ये अगस्त है, कौन यहाँ मस्त है, कौन यहाँ पस्त है, गिन लो जी, गिन लो, बच्चे के छाती में क्या ठो रहा है, किसकी ये जनवरी, किसका ये अगस्त है, कौन यहाँ मस्त है, कौन यहाँ पस्त है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी उन्होंने सत्ता को चुनौती देते हुए अपने जीवन को बिताया, और हम लोग आज नहीं भी हैं तो उनकी आवाज़ हमारे लिए बहुत कारगर साबित होती है। जिस देश के अंदर द्रोणाचार्य परिवार हो, कैसी हास्यास्पद स्थिति, जिसने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, द्रोणाचार्य परिवार है इस देश के अंदर, यह आज सोचने की बात है। यह सोचने की बात है कि तीन फारा चंदन का टिक्का लगाए हुए लोग वेद स्मृति श्रुति का हवाला देते हुए गली गली में घूम रहे हैं। श्रुति को मुख्य रूप से वेद कहा जाता है, उसके बाद श्रुति के बाद स्मृति आया है। वही वेद के कई ऋचाओं को कई स्मृति में रख दिया गया है, नारद स्मृति हो, मनु स्मृति हो, वही वेद की पुरानी 450 जो उनके दोहे हैं, उन्हीं को उलट पुलट करके स्मृति में रखा गया है। तो नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, कई स्मृतियाँ 18-19 स्मृतियाँ हैं, और 18-19 पुराण है, अष्टादश पुराण सूर्याशस्य वचनम द्वयम 18 पुराण है, उसमें इस 18 पुराण के बाद उपनिषद है। हमारे देश के अंदर दर्शन की दो परंपराएं रही हैं,
एक परंपराएं रही हैं कि हम ईश्वर नहीं माने, दूसरी दर्शन की परंपराएं रहे में हम ईश्वर माने। ईश्वर नहीं मानने की परंपरा में कौन है? ईश्वर नहीं मानने की परंपरा में बहुत बड़े जो दार्शनिक है उनका नाम है चार्वाक। आप लोग चूंकि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं और भीतरिया चीज आप नहीं जानिएगा, ऊपर छक्की चीज जान लीजिएगा, अब भीतरिया नहीं जानिएगा तो फिर द्रोणाचार्य को ही कहेंगे बहुत बढ़िया है। तो भीतरलका बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो चार्वाक सबसे पहले आदमी थे जिसने ईश्वर का विरोध किया, और ईश्वर का ही विरोध नहीं किया, कर्मकांड का भी विरोध किया। और यह भी आप जानिए कि चार्वाक का नाम चारु जोरवाक, जो सुंदर वाणी बोलता है, ये नहीं कि चार्वाक का मन भी बहुत खराब है। और वो मंडली बना बना करके गांव में घूमता था गाते हुए और कर्मकांड के खिलाफ लड़ता था, और इस कर्मकांड के खिलाफ लड़ते हुए उसने अपने जान की आहुति भी दी। जब उसका बाप मर गया तो उसकी माँ ने कहा कि इसे मुंह में आगे दो, अग्नि दो। चार्वाक ने कहा मैं नहीं दूंगा, लाश पड़ा हुआ है। फिर जो सामंत राजा थे वो आकर के अपने दूत के साथ दूत को भेजता है और चार्वाक को कहता है कि इसे मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो ये हमारे पूरे व्यवस्था को एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, तो कहा कि तब इसका परिणाम समझते मृत्युदंड का मुझे स्वीकार है, और उसे मृत्युदंड दिया। ये चार्वाक था। लेकिन एक बात इसी जगह और कहना चाहता हूं, चार्वाक ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण को कोई ब्राह्मणवादी लाइक नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। समाज होने के जात की जरूरत नहीं, किसी भी जात से आदमी आकर समाज बदल सकता है। और इस चार्वाक को कभी नाम नहीं लेता है, ब्राह्मणवादी लोग कभी चार्वाक का नाम नहीं लेते। उसी तरह सैकड़ों ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को कबूल किया, जिसमें सारिपुत्र, जिसमें मौद्गल्यायन, ये दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी टोली का नेतृत्व करते थे, कर्मकांड का नेतृत्व करते थे। लेकिन जब बुद्ध के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो उन दोनों ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया, उन्होंने दोनों ने दोनों शामिल हुए। और कैसा होगा बुद्ध, कैसी दी होगी उन्होंने ट्रेनिंग कि घोर जातवादी व्यवस्था से आते हुए कैसा जात विहीन बन सकता है, इसका कुछ उदाहरण है। मौद्गल्यायन को मर्डर कर दिया ब्राह्मणों ने, और उसकी उसके चीवर को लेकर जब बुद्ध के पास आ रहा था एक बौद्ध भिक्षु, तो वो समझ गया कि मौद्गल्यायन का मर्डर कर दिया। सारी पुत्र घोर ब्राह्मणवादी से बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, वह घूमता है भिक्षाटन के लिए निकलता है, बौद्ध भिक्षाटन टन संकलन के लिए नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही कह दूंगी। भिक्षा मांग करके और पोटली लेकर के शाम को पोटली बेचे और तेल भर करके शाम को तेल बेचे, ये बौद्ध ये भिक्षाटन नहीं है। वो केवल दिन भर के खाने के लिए वो भिक्षाटन करता है, हाथ में पात्र लेता है। क्यों? कि मैं निवेदन पूर्वक, चूंकि आप श्रम करते हैं मैं ज्ञान देता हूं, हमें आप मेरे पास कोई अहम नहीं है, मुझे खाना के लिए कुछ दीजिए। ये अहम को मारने के लिए एक बौद्ध भिक्षु खाना के लिए हाथ पसारता है, क्योंकि श्रमिक तो श्रम करके अनाज पैदा करता है, ये तो ज्ञान देते हैं। और इसलिए चिलचिलाती दोपहरिया में जब सारी पुत्र लेके जाता है वो भिक्षा पात्र छोटा सा, तो उसे बहुत प्यास, बहुत
तरपती धूप में बहुत ज्यादा प्यास लगता है। सारी पुत्र एक कुएं पर पहुंचता है। कुएं पर पहुंचने के बाद एक लड़की पानी भर रही होती है, उसको कहता कि तुम मुझे पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूं। तो वो बोलते है कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। तो सारे पुत्र ने कहा तुम क्यों नहीं पानी पिलाओगे? कहा मैं अछूत हूं। तब सारे पुत्र का जवाब दीजिए, कैसा बुद्ध ने उसे ट्रेंड किया हुआ, कहा कि तुम पानी मुझे पिलाओ, मैं पानी पीने आया हूं, जात पीने नहीं आया। आज यदि जात विहीन समाज बनना है तो बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये सवाल उठाया हूं कि कई समस्याएं आपके सामने हैं, उन समस्याओं का इतिहास के दौर में कई बार सुलझाने का प्रयास किया गया, उन संदेशों को हमारे पास रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बुद्ध ने भी चरवाक के बाद जैन आए, वो भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि जैन जो होंगे भगवानवादी हैं, ये भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये इतना ज्यादा हिंसा के खिलाफ थे कि वो समझते थे कि इतना सावधान रहना है कि हमसे एक छोटी सी गलती ना हो जाए और हमसे हिंसा ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरे मुंह से के आगे से कोई कीड़ा ना मर जाए तो उसने मुंह पर पट्टी भी बांधना शुरू कर दी। ये रेडिकल नॉन वायलेंट जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हिंसा के सवाल पर बहुत ज्यादा रूढ़ रहना, इसके भी बुद्ध पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बुद्ध ने ईश्वर के सत्ता को ही नकार दिया और उन्होंने साफ कहा, साफ साफ उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया अनात्मवाद का कि आत्मा नहीं होती है। ये समझने की बात, हर आदमी रोज दिन हर बच्चे आत्मा आत्मा कर रहे हैं, आत्मा आत्मा। लेकिन बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती है, यदि होती है तो तर्क के साथ ईश्वर के किसी भी शरीर का कोई हिस्सा बता दे कि ये आत्मा क्या हिस्सा है, ये आत्मा है। अनात्मवाद का सिद्धांत दिया। ये तीन महत्वपूर्ण ईश्वर को न मानने वाले दार्शनिकों ने समाज को बदलने में जितनी भूमिकाएं अदा की, ठीक उलट उसके ब्राह्मणवादी और वैदिक संस्कृति वाली दर्शनों ने जनता के ऊपर कहर ढाया। और कहर ढालने के बाद कहर ढालने का नियम उसने बनाया, वही है स्मृति, कोड एंड कंडक्ट, संविधान उसने बनाया। एक जातियों का अधिकार क्या होना चाहिए, कंडक्ट बनाया। और तब शिक्षा का सवाल उठता है, मनुस्मृति में पहले ही कहता है वो शूद्र और स्त्री को, चाहे स्त्री किसी भी जात की, शिक्षा और धन से वंचित रखना चाहिए। और यदि कोई स्त्री या शूद्र वेद पढ़ ले तो शीशा पिघला के उसके कान में डालना चाहिए। यदि वेद पढ़ते हुए पाया जाए तो उसका जीह काट लेना चाहिए। आप समझिए कि मनुस्मृति ईसा से 101 वर्ष पहले की है। जैसा कि राहुल संकेत्यायन कालक्रम इन दार्शनिकों का सजाते हैं उसमें ऐसा कहा गया है, हम भी मान लेते हैं 101 वर्ष। और आज 2021 है, इस 2500 के वर्ष में हम मान लिया गया या 2200-2300 वर्ष पूर्व से इस शूद्रों को, इन अछूतों को, इन औरतों को शिक्षा नहीं देने का संविधान बना। और कितने ज्यादा इनको शिक्षा से फारिग किया गया होगा, 85% जनता, 90% जनता को शिक्षा से और धन से वंचित रखा जाएगा, आज उसका क्या बिंबन होगा इतिहास के दौर में। रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन आपने पहले ही कर लिया। और कान खोल कर सुन लो बच्चियों, कितनी गंदी बातें औरतों के बारे में स्मृति में लिखा हुआ है।
जितनी गंदी बातें उपनिषद में लिखा गया है संस्कृत पढ़ना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, नहीं पढ़ोगे तो जन्म नहीं करोगे। यही पंडित जी बोलते हैं मंदिर में, ढोल गंवार शूद्र पश्चिम नारी ये सब है तारण के अधिकारी, उसी के साथ गाना गाते हुए सब शूद्र भी बोलते हैं, जो खुद ही जो है विक्टिम है वो गाना गा के यही बोलते हैं। समझने की बात, लड़कियों के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, आप जब लोकायत एक पढ़ेंगे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब है लोकायत, मैं छोटी छोटी किताबों का नाम इसलिए लेता हूँ कि आप में पढ़ने का इंटरेस्ट जगे, मेरा कोई विद्वत्तापूर्ण चीज थोपने का नहीं है आपके, मैं चाहता हूँ कि आप एक समझदार नागरिक के रूप में विकसित हूँ, मेरा विद्वत्ता थोपने का नहीं। उसमें लिखा है यदि लड़कियां औरत यौन व्याचार के लिए तैयार नहीं हो तो चेला से पीट करके उसे तैयार करना चाहिए, यह लिखा हुआ है वेद के और उपनिषद के उन तमाम दोहों, कभी पढ़ते हैं? और वेद के ऊपर इतना यहां बोला जाता है, वेद के नाम पर आपकी हत्या कर दी जाएगी तो कहेगा वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यही है ना, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, और इसलिए वेद को पढ़िए। यानी वेद क्या है, वो स्थापित साहित्य नहीं है, वेद सात ऋषि मुनियों के भाष्य हैं जिसको एक साथ संकलन किया गया है, जो एक दूसरे से मिलते भी नहीं होंगे। पहले श्रुति होता था, सुन सुन करके लोग रहते थे, फिर सोचा कि सुन सुन के कितना रहेंगे तो याद करके रखेंगे, तो उसको स्मृति किए, याद रख के करेंगे, फिर याद किसे रहेगा तो उसको गेय करेंगे, गाना के रूप में लाएंगे, तो गेय जो है सामवेद का पीरियड गेय का हो गया। ये पद्धति विकसित हुई और उस विकसित पद्धति में दो धाराओं में से वैदिक धाराएं जो हैं वो जनता के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जो हाशिए पर के लोग हैं वो हैं, और दूसरा जो है बुद्ध ने क्या कहा, जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो अपने में छुपा के मत रखो, तुरंत दूसरे को दो। ब्राह्मणवाद में क्या होता है, जैसे ही ज्ञान प्राप्त करो एकदम चुरा करके रखो जिससे दूसरा उसे सीख न ले जल्दी से, देश की क्या विडंबना है कि इंजीनियर इंजीनियरिंग पढ़ के आता है और वो नारियल फोड़ के पुल पुल का निर्माण करता है, भूमि पूजन करता है घर के लिए। अमेरिका में तो कोई नहीं भूमि पूजन करता है, क्या उसका मकान गिर जाता है? आजकल वो चला है एक चरणीय वास्तुशास्त्र, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, अब पंडित जी उसमें घुसिया दिए हैं, नैऋत्य कोण, किसान कोण, सूर्य के किरण का कोण, ऐसे 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 रुपया और वस्तु कला का कोई महत्व नहीं, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये वस्तु शास्त्र को जाकर के ले आए। उसी तरह विद्यार्थियों एक चला है ज्योतिषी शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र वैज्ञानिक नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कभी वैज्ञानिक नहीं है, एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक पढ़ाई है, जो एस्ट्रोलॉजी पर लो जाए ले जाए वो आपको ठगने के लिए ठग विद्या है। मैं ये सब ये तुम्हारे दिमाग साफ करने के लिए पहले बोलता हूं, दिमाग कैसे साफ रहेगा तब चीजों को समझा समझोगे कैसे। ये देखो हाथ है, हाथ में ये रेखाएं हैं, है कि नहीं, और फट से पंडित जी पैसा खाने के लिए लेगा हाथ, कहेगा कि ये तेरे हाथ में समय का कोई, मैं थोड़ा सा विद्यार्थी है, आप जाइए आप जाइए, मैं विद्यार्थियों को थोड़ा सा चीज का दिमाग साफ करता हूँ, फिर मैं वस्तु के ऊपर शुक्रिया, आप लोग बैठिए सर किसी।
हम मिस करने लगते हैं इसको इसको समाप्त करेंगे थोड़ी देर में, तब फिर मैं इसे पर तुरंत आके उसको भी खत्म करेंगे। देखो भाई, मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये संसार कैसे बना। उसने कहा कि ये पूरा अंधकार था, अंधकार के बाद एक अंधा भगवान ने बना दिया। वह इस अंडा में एक साथ ब्रह्मा बैठ गए और एक साथ के बाद ब्रह्मा ने अंडा को फोड़ दिया। ये लिखा मनुस्मृति निकाल कर ये से ही सृष्टि का। दूसरा, तुम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हो, वो क्या बोलता है बिग बैंग? विज्ञान, विज्ञान बोलता है ये जो है सूर्य का, सूर्य के अंदर आग के गोलों का हमेशा लड़ाई चलता था, अंदर में उसके कण टकराए, कण छिटके, उसके बाद धूमकेतु हुआ, धूमकेतु के बाद धीरे धीरे ठंडा वायुमंडल में आकर के सूर्य का परिवार बना, जिसे सौर परिवार करते हैं, उसमें एक पृथ्वी का भी कण था, पृथ्वी बना, फिर पृथ्वी में तीन भाग जल हो गए, इसलिए कि जल था पहले, धीरे धीरे जल सूखने लगा तो कुछ पृथ्वी निकल गई, तो पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है जिसे प्राणवायु कहते हैं, तो जीवाश्म पैदा हुआ, अमीबा पैदा हुआ, प्रोटोजोआ पैदा हुआ। हम इस तरह से देखते हैं, चूंकि ये धरती 6.5 बिलियन ईयर्स की है, तो एक एक चीज जो परिवर्तन हुआ होगा तो लाखों लाख वर्ष लगा होगा। तो इस तरह से हम बंदर में आ गए, पिछला वाला चीज छोड़ छाड़ करके है, उसके बाद धीरे धीरे नए चीज में हम प्रवेश कर गए, बंदर से आदमी बना, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तुम लोगों को भी कभी कभी ये बात बताई जाती है कि हम जो है बंदर के ही। अब मैं जरा ये एक बार पूछता हूं कि बंदर तो पहले 4 पांव पर चलता था, उसके बाद हम बंदर से आदमी कैसे बन गए? 2 हाथ फ्री हो गया। अरे बंदर जब नीचे होगा 4 पांव चलता होगा तो कोई आम लटक रहा होगा तो नहीं ले सका होगा, तो पहले उछलता होगा, फिर उछलते उछलते उसने देखा कि हमारे 2 पैर उठ सकते हैं, उसने दोनों पैर को उठा के ऐसे मारा, वो फल जो है नीचे गिरा खाया। फिर हम ऐसे मारते हैं तो क्या इसको हम पकड़ सकते हैं? नहीं, हजारों बरस उसे ऐसे 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 करने में लग गया। मैंने बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा दार्शनिक एक किताब लिखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फ्रॉम एग टू मैन, एंगल्स ने एक किताब लिखी है कि बानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका। वो जो श्रम करने लगा, उसको मारने लगा, तो धीरे 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 उसका फंक्शन पैर से अलग हो गया। अब हम पैर से अलग हो गया तो हाथ फ्री हो गया, आदमी के रूप में धीरे धीरे आ गए। अरे बताओ तो इस पैर में कोई रेखाएं हैं? तुम अब सभी कोई पैर में देखो तो, ये पैर में तो रेखाएं नहीं है। जब पैर में रेखाएं नहीं है, ये हाथ में बाद में रेखाएं आएंगे, तो इसमें कहां से विद्या रेखा आ गया, भंडार रेखा आ गया, तेरे रुपया इसमें दे, ये मोहब्बत कर रहा ये जगह है। ये जो इस पर जो रुपया कमाता है, इसलिए कि आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ हमेशा जितने अंधविश्वासी समाज हैं आपके खिलाफ रहेंगे। यूनान में एक बहुत बड़ा पादरी था जिसका नाम था थियोफिल। थियोफिल बहुत बड़ा पादरी था, उसका एक जूनियर पादरी था, उसकी बेटी थी, वो गणित पढ़ ली। जब गणित पढ़ ली, उसका नाम हिपिसिया था, गणित पढ़ ली, तो जब थियोफिल सीनियर पादरी था, कहा क्या पढ़े हो बेटी? कहा ये पढ़े। तो उसने देखा ये गणित तो चर्च के खिलाफ है, चर्च को चुनौती देता है ये मैथमेटिक्स। उसने तुरंत उसका गला काट दिया। विज्ञान और समझदारी कितनी बड़ी ताकत होती है कि तुरंत लोग उसको गला ही उतारने पर लगा रहता है। एक उपन्यास पढ़िएगा आप, बड़ा इंटरेस्टिंग उपन्यास, घड़ी साज, कृष्ण साज, पढ़े होगे या कोई जानते होगे बच्चे, बहुत अच्छे उपन्यास। घड़ी साज गांव में रहता है, सोचता है मैं एक ऐसा घड़ी बना दूं
जो मेरा लोग नाम लेगा और मैं शहर के बीच शहर में वो जब दे देंगे तो जुगों जुगों तक मेरा नाम लेगा। वो तो बेचारा दिन रात प्रयास करके घर ही बना लेता है, फर्स्ट क्लास चीज बना लिया। राजा को कहा कि अब इसको जो है सम्मान पूर्वक इसको एक जगह पर लटका दीजिए, मेरा भी सम्मान कर दीजिए, जैसे हम लोग किताब का उद्घाटन करवाते हैं वैसे ही। कहा कि ठीक है। राजा ने पूरा राज्य में घोषणा की कि भाई यहाँ आओ और ये घड़ी जो है उद्घाटन हो रहा है। आगे घड़ी लगा दिया, राजा बोला कि स्टार्ट करो, घड़ी स्टार्ट हो गया। अब राजा उस घड़ी के नजदीक जाके कहता है सुई को कि रुको, सुई रुकी नहीं, सुई रुकी नहीं। उसके बाद इधर उसको घड़ी साल कर तुमने कैसा बनाया है जो मेरी बात नहीं मानता, मैं तो राजा हूं और राजा की बात नहीं मानेगा, तुम क्या चीज बना के ला दिए। कहा कि ये विज्ञान चल पड़ा, हुजूर ये रुकने वाला नहीं, इसका हाथ काटो, इसका हाथ उठ काटो, जो ऐसा कैसा चीज बना दिया जो हमारी ही बात नहीं मानता। आज के तारीख में जब हम लोग रोज दिन कष्ट में रहते हैं, एक भूत चढ़ा हुआ है राष्ट्रवाद का, लगता है हम लोग राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। भाई पढ़े लिखे हम, सिद्धांत बनाए हम, समझदारी विकसित किए हम, और तुम हो गए हमें ये बताने वाले कि राष्ट्रवादी किसे कहते हैं। तो देखिए समझो ठीक से बात, देश अलग होता है राष्ट्र अलग होता है, और देश के में जमीन को रखते हुए देश को परिभाषित किया जाता है, राष्ट्र में जनता को और आदमी को रखते हुए परिभाषित किया जाता है। अब ये राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्ला रहे हैं और देशभक्ति इसे कहते हैं, देशभक्ति का ये लोग चारों बगल पैगाम फैला रहे हैं, और एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें कहता है एक धर्म को हम राष्ट्रवाद बनाए, जबकि आम लोगों के बीच में कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, सब राष्ट्र है, और इसीलिए सारे धर्म और जाति सब मिलके जितने भी हम अलग अलग समूह हैं उस सब मिलकर के हमने संविधान में अपनी सम्मति दी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है संविधान कि हम आपको सबको संविधान मानते हैं और हम लोगों के सभी की सुरक्षा के लिए संविधान जो भी कुछ करना चाहता है वो करे। और ये जो हम हमेशा कहते हैं डाइवर्सिटीज को यूनिटी के रूप में हम देखते हैं, ये चाहता है डाइवर्सिटीज नहीं रहे, केवल एक धर्म का लोग ही इस देश के अंदर राष्ट्र रहे, डाइवर्सिटीज नहीं रहे और लोग नहीं रहे। संविधान तो बन गया है और इसके साथ समय समय पर छेड़खानी जिसने भी किया है वो इतिहास में मिट जाएगा और मिट गया है और मिटने वाला है यदि संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे, क्यों संविधान एक के मात्र किताब नहीं है। संविधान सभा में उन कम से कम 100 से ज्यादा आदमी संविधान सभा के मेंबरों ने अपनी सहमति व्यक्त करके और उसके बाद एक गाइडलाइंस को लाया, आप चाहते हैं कि उस गाइडलाइंस को तोड़ दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस भानमती के कुनवे को आप जोड़े हैं अब आपके हाथ में वही कुनवा नहीं रहेगा, सब कुनवा भी उल्टा होता जाएगा, उस समय आपकी सुरक्षा कौन करेगा जब सारे कुनवे आपके खिलाफ हो जाएंगे। यही संविधान आपकी सुरक्षा करे, प्रजातंत्र की दुहाई देते हुए आप सरकार में आए और प्रजातंत्र को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहते हैं। तो इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे सीखना चाहिए इस सरकार को, यदि हम कहेंगे सीखने के लिए तो हमको जेल दे देगा,
तो सीखना कैसे चाहिए। ऑस्ट्रिया 1919 में जब जर्मन को पूरा बेइज्जत करके दस्तखत करवा लिया, राष्ट्रसंघ के उस समय लीग ऑफ नेशंस होते थे कि भाई यहाँ दस्तखत करो, तुम बहुत अकताई हो, यहाँ दस्तखत करो, तुमको मारपीट करके ठीक कर दिए हैं, तुम यहाँ दस्तखत करो। उसने तो दस्तखत कर दिया, लेकिन जर्मनी के लोगों में ये मलाल रह गया कि हाँ हमको जबरदस्ती दस्तखत कर रहे हैं। मैं खिस्सा कहानी के माध्यम से इतिहास के छात्र और लोग हैं कहा था वर्सायल्स ट्रीटी इज नॉट ए ट्रीटी, हां नॉट ए ट्रीटी, इट इज ए डिक्टेटेड ट्रीटी एंड दैट्स फॉर ए 20 इयर्स। मैं इसे साधारण भाषा में जरा बच्चों को बता देता हूं। जब जर्मन पूंजीवाद बढ़ा तो जर्मन का जो पूंजीवाद बढ़ा किसके पेट में बढ़ा? सोशल डेमोक्रेट, उस समय कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता, इसी के बीच में घुस कर करके अपनी ताकत हिटलर ने बनाई। एक छोटा सा सिपाही था हिटलर, आप लोग फिल्म देखिएगा जरूर, द ग्रेट डिक्टेटर चार्ली चैप्लिन, यू मस्ट सी दिस फिल्म, यह जरूर देखिएगा द ग्रेट डिक्टेटर। एक सिपाही कैसे डिक्टेटर बना है उसमें कहानी है उसकी, थोड़ा सा मोदी जी से भी तुलना कर दीजिएगा तो तो कम्युनिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन सोशल डेमोक्रेसी, इसी में घुस करते 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 वो सोशल डेमोक्रेट का लीडर बन गया। लीडर बना करके अब एक जो पद्धति थी प्रजातंत्र की, उसकी पद्धति से वो लीडर हो गया। लीडर तो हो गया प्रजातंत्र पद्धति से, लेकिन अब उसके पीछे जर्मन पूंजीवाद और वहां का धर्म नासी नाजीजम जिसे कहते हैं नासी, ये दोनों ने कहा कि अब जो है मजा चखाते हैं दुनिया को, दुनिया को अपने अंदर नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है पूरा वर्ल्ड, और चल दिया हिटलर करने के लिए। करते 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 वो पहुंचता है कम्युनिस्टों के ही देश में, पहुंच जाता है आक्रमण करने के लिए। तो स्टालिन ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि खुद उसको आत्महत्या कर दी। कभी फासिज्म और अधिनायकवाद शाश्वत और निरंतर स्थायी व्यवस्था बन करके नहीं रही है, यह चंद दिनों के मेहमान के रूप में रहेंगे, लेकिन देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से बना हुआ कोई देश है वो प्रजातंत्र चुपचाप बैठ करके नहीं रहे, क्योंकि भीतर ही भीतर प्रजातंत्र की शक्तियां लगातार काम करती रहती हैं, और वो चुनौती दे करते ही जाती हैं और डिक्टेटरशिप को उखाड़ के फेंक देती हैं। शिक्षा उसके लिए दो चीज है आज के पूंजीपतियों के, एक कमाई का साधन और दूसरा भारत में शिक्षा का इतना बड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, रख रखाव इतना है कि ये दुधारू गाय है। एक प्राइमरी स्कूल में यदि 2 एकड़ जमीन है तो उस 2 एकड़ जमीन को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन है, तो इसको प्राइवेट को दे देंगे, प्राइवेट कितना कमाएगा? इसीलिए यह बेचना चाहता है इंस्टीट्यूशन को, प्राइमरी स्कूल को बेचना चाहता है, सेकेंडरी स्कूल को बेचना चाहता है और हायर एजुकेशन को बेचना चाहता है, यूनिवर्सिटी को बेचना चाहता है, क्योंकि एक अंबानी रिपोर्ट आया हुआ था, उसने कहा यहां 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 ऐसे ऐसे कीजिए तो शिक्षा विकसित होगा, कैसे कीजिए तो आप हमको दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे। अंबानी पढ़ा लिखा कुछ नहीं, सिलपट नारायण और मोदी को कैसे कैप्चर किए हुए। जब एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था बंबई में, अंबानी के हॉस्पिटल का, आप बेहतर जानते होंगे हमसे,
और वो फोटो आया था। अंबानी की उम्र मोदी से कम है, लेकिन मोदी के पीठ पर हाथ देकर के उसे हॉस्पिटल से निकला। एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसे इस देश की 1 अरब 20 करोड़ जनता चुनती है, एक पूंजीपति उसके देह पर हाथ रख के चलेगा। ये है मुट्ठी में अंबानी के मुट्ठी में मोदी। दुनिया भर से जो भी प्रोजेक्ट लाता है वो अदानी और अंबानी को देता है। मोजाम्बिक गया, दाल नहीं उस समय मिल रहा था भारत में, दाल नहीं मिल रहा था, दाल का कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया दाल का कॉन्ट्रैक्ट? वहां जाके अंबानी भी साथ गया, कहा कि यहाँ का मिट्टी ऐसा है कि दाल बहुत उपजेगा। तो फिर मोजाम्बिक की सरकार ने कहा कि जमीन ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन ले लीजिए। कहा कि हाँ ले लेंगे। मोदी जी ने कहा हाँ, अब पैसा दे देंगे भारत सरकार के तरफ से जमीन लेने के लिए। फिर दाल वहां उपजाएगा अंबानी, और फिर दाल यहां इंपोर्ट करेगा वहां से। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बिकम वर्चुअल द एजेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड वर्ल्ड कैपिटलिस्ट। विश्व पूंजीवाद और इस देश के पूंजीपतियों का गुलाम है ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के कारण हम मोदी को कभी आलोचना नहीं करते। हम आलोचना करेंगे कैसे इस देश को बेच रहा है। 2008 में जब अमेरिका में 157 बैंक एक साथ कलेक्ट कर गए, तो भारत में चूंकि राष्ट्रीय बैंक था यह टिक गया। और रात दिन यहां की सरकार बोली कि हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हम उसका हमारे ऊपर बहुत कम असर हुआ। तो विश्व का पूंजीपति देख लिया, अरे साला इसका बैंक ताकत है, इस बैंक को पहले खत्म करो, ये राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक को तहस नहस करो, जिससे कि इसकी भारत की ताकत खत्म हो सके। और इसी के आधार पर इसने नोटबंदी और तमाम बैंक में जो हाथ उधर उधर हलचल है, ये हमारे देश का बैंक का जनता से सीधे संबंध था और जनता के सहयोग के लिए ये बैंक था। इसने आज 3 वर्षों में ऐसा तहस नहस इसे किया है कि आज हमारा देश का बैंक हमारे लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। हर 3 बार के बाद पैसा काट रहा है, कितना पैसा काट रहा है उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। ये नहीं है हिंदू के पहरेदार, थोड़े देर के लिए ये मान लीजिए। ये हैं अंबानी और अदानी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO के एजेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया से माइनिंग का कंप्रोमाइज करके आया, पैसा लिया हिंदुस्तान का और वहां जाकर के माइनिंग का डीलिंग करने के लिए पैसा हिंदुस्तान की सरकार देगी उसको। बांग्लादेश से 14,000 करोड़ रुपए के बिजली का प्रोजेक्ट लाया, वो अदानी को दे दो। आप डाटा खुद भी दे सकते हैं कि जितना दुनिया का प्रोजेक्ट लाता है ये 46 देश क्यों जाता है, 86 देश प्रोजेक्ट लाने के लिए, और प्रोजेक्ट अदानी अंबानी को देने के लिए, राष्ट्र को देने के लिए नहीं, सरकार को देने के लिए नहीं, वो आमदनी सरकार को आवे, सरकार बिजनेस करे उसके लिए नहीं, वो सीधा इन पूंजीपतियों को देता है। राष्ट्र की तमाम संपत्तियां, संपत्ति और बिजनेस, बिजनेस उसके हाथ में दिया, अब संपत्ति हाथ में देना चाहता है। एक एक चीज जो बचा हुआ है उसको बेचना बाकी जो है उसके ऊपर हाथ ये धीरे धीरे लगा रहा है। लाल किले पर हाथ लगा दिया, ताजमहल पर हाथ लगाने जा रहा है। ये तो छोटी छोटी चीज पर अब हाथ लगाना ये शुरू कर दिया है। एक एक चीज जहां सार्वजनिक संपत्ति रखी हुई है उस पर हाथ लगाना वो शुरू कर दिया। शिक्षा तो बहुत बड़ा महकमा है, अभी भी 300 विश्वविद्यालय हैं सरकार के, और हजारों हजार हाई स्कूल हैं, हजारों हजार प्राइमरी स्कूल है। इसको बेचना है। 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल इस देश के अंदर बंद हो चुका है। कहता है कि पढ़ने के लिए लोग नहीं आता है। 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है। जिस प्राइमरी स्कूल का 5 कट्ठा जमीन है वो भी वहां के प्राइवेट को दे रहा है, जैसे पहले स्कूल बंद किया फिर उसको प्राइवेट के हाथ में बेच रहा है। ये देश में 300 विश्वविद्यालय हैं और 700 प्राइवेट विश्वविद्यालय। व्हाट इज प्राइवेट ऑफ प्राइवेट? कभी हमने सोचा है कि निजी लोगों का निजी क्या चीज है उसका?
भाई एक हॉस्पिटल खोला एक आदमी निजी, सरकार को अप्लाई करता है जमीन दीजिए, सस्ते दर पर जमीन दिया, ये सरकारी चीज है। बैंक से लोन दिया, बैंक सरकारी चीज है। समाज का श्रम लेता है, वो सामाजिक चीज है। और खाली प्रॉफिट तेरा होगा, जो उससे फायदा होगा ये तेरा होगा, सब चीज सरकार का, सब चीज जनता का, प्रॉफिट खाली आपका। व्हाट इज प्राइवेट ऑफ प्राइवेट? निजी लोगों का निजी चीज क्या है? और ये इसी नाम पर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण निजीकरण निजीकरण। ये कंप्यूटर इतना क्या करेंगे? ये कुछ रोटी तरकारी पैदा कर रहा है क्या? ये कोई मछली पैदा कर रहा है क्या? मछली तो पैदा करने वाले मछुआरे हैं, किसान हैं। ये आपको इस एक खोखली में लगा दिया है, दिन रात उसमें देख रहे हैं। ये प्रोडक्शन नहीं, आपको जो इंगेज किया है नॉलेज के। तो नॉलेज के इस दौर में कौन टिकेगा? पैरवी के दौर में कौन टिकेगा? कितनों नॉलेज रखिए, घुस नहीं दीजिएगा, पैरवी नहीं होगा तो नहीं होगा। कितनों नॉलेज रख लीजिए, घुस नहीं दीजिएगा, पैरवी, वही असली घुस आपका ताकत होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर होना, बहुत अच्छी बात, सब ज्ञान सब चीज प्राप्त है, आपका कदर करते हैं, लेकिन वो दो पैसे की चीज नहीं है। आईएएस आईपीएस का एग्जामिनेशन दीजिए, हो गया रिजल्ट, ऊपर वाले लोग घुस घास दे करके अपना जो है जो बना देंगे आईएएस आईपीएस। हमारी क्या दुर्गति होगी, क्या दुर्गति होने वाली है? ये आने वाला समय यदि हम विज्ञान को ठीक से समझें, उन्होंने कहा कि पूंजीवाद जो है बेरोजगारी का ही विज्ञान है। कैपिटलिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बिना पूंजीवाद जिंदा रह नहीं सकता है, यह एक साइंस है। जितनी बेरोजगारी होगी पूंजीवाद उतना ही कमाएगा, क्योंकि सस्ता श्रम बाजार से खरीदने में उसे मदद मिलेगी, और सस्ता श्रम बेरोजगार होगा उसको खरीद खरीद के, जिसका क्या है, हमको तो 2.5 लाख रुपया मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर। आप जाके देखिए ये रजिस्ट्री वाला टिकट में टीचर क्या है, गांव देहात में शिक्षा मित्र बेचारे को क्या मिलता है, 12,000, 13,000, 14,000। ये क्यों डिस्पेरिटीज है, ये क्यों भिन्नता है? एक ही श्रम के लिए दो पे क्यों है? क्योंकि वो बेरोजगार बनाए रखना चाहता है, और कुछ जो है भुकभुकिया टाइप का, जैसे प्रोफेसर को 2.5 लाख है, भुकभुकिया टाइप को 2.5 लाख, 3 लाख, और फिर कहेगा मैनेजर को हम 10 लाख दे रहे हैं। सब मैनेजर थोड़े बन जाएंगे, सबको बन जाएंगे प्रोफेसर, बनने ही नहीं देगा। और हिंदुस्तान में अब प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम IMF वर्ल्ड बैंक और WTO का एजेंडा है। ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट लाए सब, ये विडंबना यही है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया इसने IMF वर्ल्ड बैंक पर, हमने हस्ताक्षर किया है 1990 में। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे विश्वविद्यालय में हो, ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने लाया, तो अब आज के तारीख में सुने हैं कि खुद बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में 30 गो पोस्ट निकला है, वो परमानेंट पोस्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर ला करके रख दिया। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात सोचो भैया, हमारे मस्तिष्क का एक विकास सोचो कैसा कैसा करवाया है इसने। पहले कहते थे नौकरी, मैं 60 वर्षा 65 वर्षा और पेंशन याफ्ता, सरकारी नौकरी के लिए मार कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट उसने बदल दिया, अब कहता है स्वरोजगार स्वरोजगार। पहले किया उसने नौकरी, दूसरा किया रोजगार, कि भाई रोज 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 काम करो, रोज रोज पैसा ला, रोज रोज जिंदगी जाए। अब 30 वर्षा वाले वाले बात करो, 65 वर्षा वाला बात मत करो। तो पहला नौकरी वो खत्म,
माथा पर से आपका निकाल दिया भाई, ये सब बात मत सोचो कि नौकरी 30 वर्षा मिलेगा 7 वर्षा। दूसरा क्या, रोजगार, रोजगार ना रोज रोज, डेली कमाइए डेली खाइए, डेली कमाइए डेली खाइए। तीसरा स्वरोजगार, अब भैया वो और नहीं है मार्केट में, अब अपना कुछ करो, समझे ना, अपना कुछ करो, इसे क्या, हाँ अपने में वही पकड़ आता है स्वरोजगार। अब ये जो स्वरोजगार है, लोगों ने स्वरोजगार के लिए कहा कैसे होगा भाई, कुछ है ये नहीं है हमारे पास पैसा, तो कहा कि स्टैंडिंग इंडिया, तेरे को स्टैंड कराएंगे, तू चिंता मत कर, 5 लाख रुपए लोन देंगे। वो 5 लाख रुपए लोन का क्या मन है जानते हैं, कि दिन भर खूब मेहनत में कसरत से 500 रुपए कमाई, 250 लोन दीजिए बैंक को, 250 हम टुक टुक अपना सौ परिवार खाएंगे, कर्जों दीजिए उधर, बैंकों को भी दीजिए, पूंजीवाद को भी मजबूत कीजिए, और अपने अभी थोड़ा जीवन चलाइए, थोड़ा सा कर लीजिए, वो सबको कर्जा दीजिए। उसने जोड़ा ये सबसे ज्यादा तो बेरोजगार कौन है, सिर्फ का सिर्फ टाइस होते हैं। तो सोशल जस्टिस के साथ इसने स्टैंडिंग इंडिया जोड़ा, कहा कि कर्जा लेने चले जाइए बैंक में, आपको दे देंगे कर्जा, क्या खा गया बिना अमानत के, कोई जमानत होता है, आपको एक कट्ठा जमीन का रसीद नहीं है, नहीं देगा बैंक, आप जब तक कुछ गिरवी नहीं रखिएगा तो रुपया नहीं देगा आपको। ये हो गया। और इधर 5-6 महीने कहा कि हमने 9 करोड़ लोगों को कर्जा दिया है, वो टीवी पर चलने लगा, 9 करोड़ लोगों को कर्जा दिया, तो उसने कुछ किया होगा कि नहीं उस कर्जे से, चाय बेचा होगा कि ना, जा देखिए जी टीवी के आगे में पूछिए चाय वाले को, क्या वो चाय बेचा तो रोजगार हुआ कि नहीं हुआ, वो भी रोजगार, चाय बेचा तो रोजगार। ये है डायनेमिक्स, कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का डायनेमिक्स आपके सोच को कैसे ले जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है, हम 25 वर्ष 22 वर्ष के नौजवान 20 वर्ष पहले जन्म लिए हैं, तो बाप मैं सरकारी नौकरी में रहा, 30 वर्षा का ही खोज कर रहे हैं, 30 वर्षा का 60 वर्षा का कि आशाएं आपको खत्म हो जाए और इसके प्रति बहुत लगाव में रखें। तो हमारे वाजपेयी जी ने एक काम कर दिया, 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलवे नहीं करेगा, जाइए आप रहिए, जिस बुढ़ापे में जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, पेंशन ने 2004 में गुल कर दिया। ये कोई वाजपेयी रहे चाहे कोई रहे, ये कैपिटलिज्म का पूंजीवाद का विज्ञान है। जब हम भूमंडलीकरण पर हस्ताक्षर किए हैं, ग्लोबलाइजेशन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी नीतियों को लागू करेंगे तो यही सब परिणाम होगा। ट्यूनिशिया एक छोटा सा जगह है, हिस्सा सुनाते हैं बेरोजगार का, एक छोटा सा जगह है, 23 वर्ष पहले उसने भूमंडलीकरण लागू कर दिया, उसके पहले उसकी अच्छी इतनी व्यवस्था थी कि सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अनाज मिलता था, शिक्षा सबको फ्री मिलता था। 23 वर्ष के बाद जब पूरा भूमंडलीकरण लागू कर दिया तो 60% वहां के नौजवान बेरोजगार हो गए, और इतनी बेरोजगारी बढ़ी कि एक बेरोजगार का नाम था बीए पास कर लिया और कुछ नहीं है, एकदम आवारा के तरह रोड पर घूमता था। तो माए बाप बहुत कहता था कि तू क्या बीए पढ़े हो, कुछ तो कर, काका भी मम्मी करता हूं, तो कर्ज का सिस्टम था। उसने जाके 500 दिनार कर्जा ले लिया, एक ठेला ले करके उस पर फल रख करके और रोड पर चल दिया बेचने के लिए। रोड पर जैसे ही गया पुलिस आ गया, कहां तू बेच रहा है, यहां से हटा जल्दी, मैं अभी तो फल का दुकान से जाया हूं, बस कहा कि यहां से हट, कहा कि नहीं थोड़ा हम बेच करके जाए। उसको गाली गलौज मां बहन लगा करके पुलिस ने दिया, और ऐसा भी गाली दिया, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान है, इसको कहा सुअर की औलाद, उसको ठेला बेचने वाले को पुलिस भी मुसलमान,
उसने देखा कि बाप रे बाप, तो हमारे धर्म के ऊपर भी यही गाली कर। उसने फल का दुकान छोड़ के भागा और उसका फल का दुकान उलट उलट दिया, वो जो ठेला ठेला था। कहा कि दूसरे दिन जाके फिर 250 दिनार जो है उसने कर्जा लिया, अब पेट्रोल का पंप से पेट्रोल एक कंटर ले। उसने सोचा एक डिब्बा में क्या होगा, वो म्यूनिसिपैलिटी सोचता था कि जरा पे एक डिब्बा में कुछ होने वाला नहीं। एक काम हो सकता है कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के अपने ऊपर ही डिब्बा नहला लेते हैं, आग लगा लेते हैं।